हैं आज 13 तारीख के रोज मार्केट में आपने देखा एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को दिखा, जब 2100 पॉइंट का आपको 2021 पॉइंट का डाउन हुआ, फिर वहां से एक अच्छा खासा आप लेते हुए आपको दिखा। मैं आपको सिर्फ इसके लिए यहां पे लेके आया था कि एक नया जस्ट एक मैसेज आया कि जयपुर SMS हॉस्पिटल डॉक्टर सक्सेडेड इन ट्रीटिंग कोरोना वायरस पेशेंट यूजिंग ड्रग्स फॉर HIV स्वाइन फ्लू मलेरिया। ऐसे में मानना है कहना है कि इन्होंने कोरोना वायरस पे जो है उसका मेडिसिन पा लिया है, और आप इसको डिटेल में जाके देख सकते हैं। डी डॉक्टर्स ऑफ जयपुर स्वानी माधव सिंह हॉस्पिटल सक्सेसफुली ट्रीटिंग कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट बाय ट्रीटिंग हिम विद मेडिसिन ऑफ स्वाइन फ्लू मलेरिया HIV। दी ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट वेर डन अंडर ACS मेडिकल रोहित कुमार सिंह एंड हिज टीम। द मेडिसिन फॉर्मूला डेवलप्ड बाय द टीम SMS डॉक्टर ऑल्सो गेट इट्स अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। टॉकिंग अबाउट द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट रोहित कुमार सिंह सेड दैट द पेशेंट वाज गिवन अ डोज ऑफ ये जो दवाई का नाम आपके यहाँ ट्वाइस ए डे विच हैज हेल्प हिम रिकवर। ही फर्दर इन्फॉर्म दैट द पेशेंट वाज गिवन ऑसिलीटेमिविर ए मेडिसिन विच इज यूज फॉर ट्रीटिंग स्वाइन फ्लू मलेरिया एंड क्लोराइड हाउएवर क्लोटीन जो भी हाउएवर दिस इज नॉट द फर्स्ट केस द एंटीवायरस करके आपको बहुत सारा दिया हुआ। मीन वाइल द टोटल पॉजिटिव कोरोना वायरस केसेज इन इंडिया हैज गोन अप टू 81 आउट ऑफ 64 आर इंडियन 69 इटालियन 1 कैनेडियन। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि आप यहाँ पे जो ये केस है अगर ऐसा है तो कमिंग डेज में आपको निफ्टी और निफ्टी 50 में बहुत अच्छा आपको फायदा देखने को मिल सकता है। डॉ जोन्स भी यहाँ पे आपको 600-700 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं क्रूड में भी आपको अपसाइड दिख रहा है, गोल्ड में आपको नरमी दिख रहा है। और अगर हम ये पोजीशन जा करके निफ्टी के पुट के पोजीशन को देखें, निफ्टी 9955 पे क्लोजिंग दिया है। अच्छी बात क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे पुट के साइड में आपको शॉर्ट की रेड की पोजीशन ज़्यादा दिख रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन इनकी बनी हुई है, और यहाँ पे अभी भी पुट की और शॉर्ट की ज़रा अनवाइंडिंग नहीं हो रहा है। इनफैक्ट 9000 पे 5,80,000 पुट की और शॉर्ट हुई है, क्यूमुलेटिव 12 लाख 9000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है अभी भी। लेकिन यहाँ कॉल की ओर देखें तो आप कॉल की ओर देखेंगे तो यहाँ हर शॉर्ट की पोजीशन को 10,000 सब जगह अनवाइंडिंग किया जा रहा है। 1,11,000 से 4 लाख से अनवाइंडिंग हुआ, और आप देखेंगे तो 10,500 पे 1,276,000, और ये भी एक नॉमिनल शो करने के लिए है। एक्चुअली आपको 11,000 तक की रिकवरी, आपको सबसे ज़्यादा 11,000 मीन्स अब जो दायरा बन गया है 9,000 से 11,000 का दायरा है। 5,29,000 का यहाँ सबसे ज़्यादा 12,96,000 का आप देखेंगे निफ्टी पे। अब अगर 9,000 पे जा करके देखेंगे पुट पे, तो यहाँ पे भी 12,05,580 मीन्स 9,000 से 11,000 की मीन्स लोग या तो 9,000 के पुट को बाई कर रहे हैं या 11,000 के कॉल को बाई कर रहे हैं, और ये अच्छा खासा पोजीशन बनी हुई है। और यहाँ आप देखेंगे शॉर्ट की पोजीशन टूटते हुए, तो मुझे एक अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। और हो सकता है अगर ये इस पर और क्लैरिटी आ जाती है तो आपको यहाँ से अगर 1,000 पॉइंट ऊपर जाते हुए दिखे तो कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी में भी आपको हो सकता है एक नए लेवल, एक नए आपको चार्जिंग के साथ बैंक निफ्टी जो आज क्लोज हुआ 25,166। अगर आपको देखेंगे तो फर्दर कॉल साइड में ही देखेंगे, कॉल साइड में यहाँ पे अनवाइंडिंग होते जा रही है, और यहाँ पे आपको जो पोजीशन देखने को मिल रही है आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अब जो पोजीशन 27,000 के आसपास है, 1,33,000 से बहुत ज़्यादा पोजीशन तो है नहीं बैंक निफ्टी में, बहुत कम माइनर है, फिर भी जो है 27,000 की ओर है। और यहाँ पे कॉल साइड में भी यहाँ अनवाइंडिंग हो रही है और पुट में शॉर्ट हो रहा है, तो एक अच्छा चीज है। और अगर ये न्यूज़ कन्फर्म है तो आप 27,000 तक बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। क्रूड में एक क्रूड के चार्ट पे एक देख रहा था, तो एक अच्छी चीज़ आपको क्रूड में बताता हूँ। इसको लगता है कि यहाँ पे 2200 पे जो एक सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है 2200 के आसपास, 2200-2231 के आसपास इसको सपोर्ट है, और वो सपोर्ट ये तोड़ेगा नहीं। और अगर ये तोड़ेगा नहीं तो आपको कोई लॉस होगा नहीं, ये वापस आपको ऊपर की ओर जाते हुए देख सकता है। और कहीं ना कहीं ये वापस आपको अगर ये इस लेवल को नहीं तोड़ता है तो अगर ये यहाँ पे इस लेवल को 2200 लेवल को नहीं तोड़ता है जो इसका लोवेस्ट है 2000 तक, अगर यहाँ पे सपोर्ट 2000 का लेके उठा हुआ है यहाँ पे पहले ये है 2008 के आसपास, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये नीचे की ओर ज़्यादा है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से आपको एक रिकवरी और डबल बॉटम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और वापस आपको क्रूड 4,000 की ओर जाते हुए दिख सकता है। तो क्रूड में पॉजिटिव व्यू भी रखिए, आप ऊपर की ओर भी जा सकता है। अक्सर क्रूड जब नेगेटिव और विक्स भी इसका बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो भी एक कारण है। इंडिया का विक्स 51 के आसपास चल रहा है, इन सब देख के लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो जरूरी है,
वो ये देख के दिख रहा है जयपुर SMS हॉस्पिटल डॉक्टर सक्सेसफुली इन ट्रीटिंग कोरोना वायरस। अगर ये न्यूज़ सही है तो सबों के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए भी और मार्केट के लिए भी। मुझे लगता है यहाँ शायद एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो आपको देखना चाहिए और वॉच रखना चाहिए, और यहाँ से फिर मार्केट में एक रिकवरी देख सकते हैं। तो आप लॉन्ग टर्म में नाम बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्क्रिप्ट आप कोई भी लीजिए, कोई भी बैठिए, अच्छा वर्क कर सकता है इसमें। उसमें मारुति, हीरो होंडा, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस, आप टाइटन, ये सब कहीं पे भी लिखेंगे तो आप कहीं लॉस नहीं करेंगे। मदरसन सुमी बहुत ही लो पे है, अगर मारुति अब जाएगा तो मदरसन सुमी लिंक है, इन सब शेयरों पे भी आप, मेरा ओपिनियन है कि पॉजिटिव है। मार्केट में कोई भी पैसा डायरेक्ट नहीं लगाए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें तभी मार्केट में पैसा लगा। मेरा ओपिनियन है, व्यू है ये न्यूज़ को देख करके कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि आपको एक अच्छा रेस ऊपर की ओर दिखाए। और चूंकि डॉ जॉन्स में भी एक रिकवरी है, न्यूज़ अच्छा है, दोनों चीज़ पॉजिटिव सिम्टम दे रहा है, तो मार्केट में पॉजिटिव व्यू रखें, निगेटिव व्यू की जरूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।